उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद के थाना फरिया क्षेत्र का है मामला, जहां कुएं में मिला युवक का शव। घर से कई दिन से लापता था युवक। मृतक युवक गांव गणेशपुरा फरिया का बताया गया है। युवक का शव मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। फिरोजाबाद से जिला संवाददाता सराज सिंह की रिपोर्ट, SKH न्यूज। क्या नाम है आपका? सनी। सनी, ये कौन है आपको? ये हमारे चाचा। अच्छा, ये मृतक आपके कौन है? चाचा लग। क्या नाम है इनका? सिलेंडर। कहाँ के रहने वाले हैं? क्या हुआ पूरा, क्या मामला है? ये शाम को 4 बजे से गाय को 8 दिन हो गए, 8 दिन के पता नहीं। तो आपको सूचना कैसे मिली? ये आज देखने की। यानी कि शादी हो गई थी क्या? दो बच्चे हैं। कौन सा काम था इनका? मोहल्ला गणेशपुर। थाना कौन सा पड़ता है? फरिया। नहीं तो आपको सूचना कैसे मिली थी? ऐसा मिला था, सब जगह ढूंढने के, फिर हमने पूजा में। कब के गायब से घर से? 8 दिन पहले। 8 दिन पहले थे। तो थाने में तहरी दे दी थी गुमशुदा की? आपका क्या नाम? तो क्या लगता है आपको, क्या लगता है ये अपने आप हत्या किया या किसी ने वो मार के डाल दिया? कोई पता नहीं, कोई पता नहीं है। क्या करते थे? ढेला लगाते थे। कहाँ लगाते थे ढेला? आज प्रातः फरिया पुलिस को एक व्यक्ति का शव कस्बा फरिया में एक कुएं में पड़े होने की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कुएं से बाहर निकलवाया गया। उस शव की शिनाख्त शीलेंद्र के रूप में हुई है, जिसकी पहचान उसके परिजनों द्वारा की गई है। उसके पिता द्वारा अवगत कराया गया है कि उसका पुत्र शीलेंद्र पिछले काफ़ी समय से मानसिक अवसाद से ग्रस्त था, और ये सूचना पुलिस को 2-3 दिन पहले ही उसके परिजनों ने गुमशुदगी के संबंध में अवगत कराया था, जिस संबंध में थाना फरिया पर गुमशुदगी दर्ज है और शव को पंचायतनामा भर के अग्रिम कार्रवाई हेतु PM के लिए भिजवाया जा रहा है।